हरलाखी प्रखंड स्थित सोठ गांव के पुरनाहा पोखर के मैदान में बारिश के लिए मुसलमान समुदाय की ओर से विशेष नमाज अदा की गई। इस विशेष नमाज को बारिश के लिए मुस्लिम समुदाय की ओर से विशेष नमाज अदा की गई, जिसमें काफी संख्या में आसपास गांव के लोग एकत्रित हुए। विशेष तौर पर 2 रकात नमाज होती है और नमाज के बाद 2 बार खुतबा होता है। दरअसल इसमें दुआ भी विशेष तरह की मांगी जाती है। आम तौर पर दुआ के लिए जिस तरह से हाथ लोग उठाते हैं, इस नमाज में हाथ उल्टा कर दुआ मांगी जाती है। नमाज के दौरान बारिश के लिए जो दुआ मांगी गई, उसमें अल्लाह सभी के लिए रहम का रास्ता फरमा, बारिश कर दे, किसानों को राहत दे, यहाँ रहने वाले सभी को रहमत दे, सभी गर्मी से परेशान है। इसी को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक खुले मैदान में नमाज अदा किया। आषाढ़ के सूखा रहने और सावन में भी अब तक बारिश के आसार ना दिखने से लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। जिला में जो खेती किसानी पर आधारित है, वह बारिश के नाम पर अभी तक सिर्फ बूंदा बूंदी ही हुई है। जिले में नहर, पोखर और तालाब सूख चुके हैं। सरकार बोर्डिंग पर पाबंदी लगा चुके हैं, इस कारण जल संकट नजर आने लगा है, जिसको देखकर किसान सहित आम आदमी घबराया हुआ है, अपने अपने हिसाब से कुदरत को खुश करने की कोशिश में लगा हुआ है। जिले में बादलों की लुका छुपी का खेल चलता आ रहा है, लेकिन बरसात नहीं हो रही। फसलें सूखने लगी है तो वहीं धान की रोपाई अब तक नहीं हो सकी। जहां जमीन के दरार फटना शुरू हो गया है, देश के कई हिस्से में लोग बरसात से बेहाल हो चुके हैं। आसमान से आग बरस रही है। मानसून बरसात का नजारा अब तक जिले में देखने को नहीं मिला। जल संकट नजर आने लगा है। जिन लोगों ने ट्यूबवेल, चापाकल आदि से धान की रोपाई किसी तरह कर दी, उनकी फसल सूखने के कगार पर पहुंच गई है, जिसे लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सुबह में विशेष नमाज पढ़ी। मदरसा अल महादुल इस्लाम के डायरेक्टर मौलाना अब्दुल बाकी ने कहा कि रात हो या दिन, लोग गर्मी से परेशान है। पूरा जिला सूखे की चपेट में आ रहा है। पशुओं के लिए हरा चारा भी नहीं मिल रहा। बरसात के लिए ही विशेष नमाज के माध्यम से अल्लाह ताला के गुनाहों की माफी मांगते हुए बरसात के लिए दुआ मांगी गई। मौके पर इरशाद अहमद, डॉक्टर अबरार, मौलाना अजमद, रजाउल्ला, मोहम्मद शकूर, मौलाना अब्दुल कयूम अंसारी समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। नमाज जो है इस्तिस्का की नमाज थी। हम लोग जो है बारिश के लिए अल्लाह से जो है ना एक फील्ड में आकर के, मैदान में आकर के दुआ जो नमाज अदा किया है, और जो है पानी के लिए अल्लाह से दुआ जो है किया है। अच्छा, ताकि अल्लाह ताला बारिश दे। और जगहों को लोगों को क्या कहेंगे इससे कि इस तरह से जो है ना नमाज अदा करना चाहिए? हाँ, ऐसे जो है ना लोग जो है ना अपने अपने इलाके के अंदर जो है ना हर आदमी के ऊपर ये है कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब भी पानी का अगर ये दिक्कत हो तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो इस तरह की नमाज अदा करके और पानी के लिए अल्लाह से दुआ करें। हर आदमी को चाहिए कि जो है ना दुआ करनी चाहिए पानी के लिए और इस तरह की नमाज अदा करनी चाहिए। लोग जो आज खुले मैदान में अपना घर को छोड़ करके एक चटियल मैदान, जहाँ पे मतलब धूप उप का कोई मतलब बचाव नहीं, ये नमाज हम लोग इसलिए यहाँ पर हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से, ईश्वर से और गॉड से हम ये फरियाद किए हैं, ये मांगे हैं कि ए भगवान, हम लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा पापी किए हुए हैं, पाप है, यही वजह है कि आज हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रहा है। और हम लोग ईश्वर से, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किए हैं कि ए खुदा, ए ईश्वर, कि इस दुनिया में बारिश की वजह से चौपाए मर रहे हैं, किसान को खेती नहीं हो पा रहा है, और उस कर्म का देखिए कि अभी हम लोग पढ़े हैं और मौला का कहना है, ऊपर वाले का हुक्म है कि तुम मांगो, मैं देने के लिए तैयार हो, और देखिए अल्लाह तबारक व तआला का कर्म। अभी हम लोग सर 2-5, 5-7 मिनट पहले हम लोगों ने नमाज को ख़त्म किया है और ऊपर वाला देखिए अभी बारिश का नुजूल हुआ है, और इस बारिश से किसान फलाह करेंगे, हम और आप तमाम लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। ये नमाज इसलिए पढ़ा गया है कि बारिश हो, और ये नमाज पढ़ने का वजह एक है कि हम लोग ईश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर रो कर अपनी गलती को एहसास किए है कि ईश्वर, मैंने इस दुनिया में बहुत गलती किया है, हमारी गलती को माफ़ करके हमारे ऊपर अजाब ना दे करके हमारे ऊपर बारिश बरसाए, इसी के लिए हमने और दुनिया के तमाम लोगों ने नमाज पढ़ाया। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।